ऐसी जीव जंतुओं के बारे में बताएंगे जो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुनहरे, बहुत ही विचित्र प्रकार के हैं, जिनके अलग अलग रंग कलाएँ होती हैं। और आज हम आपको 10 ब्यूटीफुल एनिमल्स और बर्ड्स के बारे में जानकारी देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी सबसे पहली लिस्ट पर है मोर। मोर धरती का सबसे सुंदर पक्षियों में से एक है। यह मध्यम आकार का रंगीला पक्षी है। मोर धरती के सबसे बड़े उड़ने वाले पक्षी हैं। मोर का वजन 6 से 10 किलोग्राम होता है। मोर की 3 प्रजाति होती हैं, ब्लू पिकॉक, यह इंडिया व श्रीलंका में पाए जाते हैं, ग्रीन पिकॉक, यह जावा, इंडोनेशिया व बर्मा में पाया जाता है, कोंगो पिकॉक, जो अफ्रीका महाद्वीप के रेन फॉरेस्ट में देखने को मिलता है, एक और प्रजाति व्हाइट पिकॉक है जो बहुत ही कम देखने को मिलती है। यह न तो पानी में प्रवेश करते हैं और न ही यह तैर सकते हैं। मोर का जीवन काल 15 से 20 वर्ष होता है, लेकिन कुछ लोगों की माने तो यह 40 वर्ष तक भी जीवित रह सकते हैं। यह देखने में बहुत ही सुंदर होते हैं, आपने खुद भी देखा होगा, इसीलिए यह हमारी लिस्ट में नंबर 1 पे है। एनिमल नंबर 2, पिंक डॉल्फिन। बाकी डॉल्फिनों की तरह नहीं होती है डॉल्फिन, यह ज़्यादातर मीठे पानी में ही मिलती है और यह फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं होती है। यह समुंदर में बहुत ही कम देखने को मिलती है। यह साउथ अमेरिका व अमेजन नदी में ही मिलती है। इनका ग्रुप 2 से 3 ही होता है। अगर आपको यह कहीं भी दिख जाए तो उससे दूर रहने में ही आपकी भलाई है। नंबर 3 पर द पॉइजन फ्रॉग। दोस्तों, इसके बारे में आपने पहले भी जरूर सुना होगा। यह सबसे खूबसूरत होने के साथ साथ सबसे खतरनाक भी होता है। यह रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, ब्राइट कलर के होते हैं। इसका आकार बहुत ही चमकदार रंग के होते हैं। इसका यह चमकदार रंग ही सबसे खतरनाक बनाने के लिए काफ़ी है, क्योंकि आपने ज़रूर सुना होगा जो चीज़ जितनी खूबसूरत होती है उतनी ही खतरनाक भी होती है। यह छोटा सा मेंढक हर वक्त अपने साथ इतना पॉइजन रखता है जिससे 10 इंसानों की मौत हो सकती है। यह ब्राइट रंग की वजह से आसानी से नज़र में आ जाते हैं। अगर कोई शिकारी इसको गलती से खा भी ले तो उसका शरीर काम करना बंद कर देता है, धीरे धीरे उसको लकवा लग जाता है, वह जल्दी ही मौत के घाट उतर जाता है। अगर इनको टच करके गलती से भी हाथ मुंह पर लगा लिया जाए तो एक टच भी हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए काफ़ी है। नंबर 4 पर है फेरसन हॉर्स। घोड़े तो आपने बहुत प्रकार के देखे होंगे, लेकिन इसकी बात ही अलग है। इसकी चाल, इसके बाल, इसकी परफेक्ट बॉडी इसको दूसरे घोड़ों से अलग व सुंदर बनाती है। यह सिर्फ और सिर्फ नीदरलैंड में ही पाए जाते हैं। इस प्रजाति के घोड़ों को दुनिया भर में रेसिंग के लिए एक्सपोर्ट किया जाता है। यह दुनिया के पालतू जानवरों में से एक है जो आज भी सरवाइव कर रहे हैं। इनकी पूरी बॉडी एक ही रंग की होती है। एक बार इनका जीवन खतरे में आ गया था, इनका शिकार ज़्यादा होने लगा था, लेकिन अब इसके शिकार पर सरकार ने बैन लगा दिया है। इनकी लंबाई को हाथों से मापा जाता है। नंबर 5 पर है मैरीन फिश। दोस्तों, अंडरवाटर वाली दुनिया पूरी तरह से अनजान वह कभी ना ख़त्म होने वाली दुनिया है, जिसको देखने के लिए पता नहीं हमें कितने जन्म लेने होंगे। यह अपने शानदार कलर कॉम्बिनेशन से मोस्ट सर्च अंडरवाटर एनिमल इन द वर्ल्ड फोटोग्राफर भी बन चुकी है। यह दिन भर छुप कर रहती है शिकारियों की वजह से, यह रात को खाना ढूंढने के लिए बाहर निकलती है। इसको देखने पर ऐसा लगता है यह फ्लो कर रही है। यह बहुत ही सुंदर मछली होती है। नंबर 6 पर हमने हंस को रखा है। हंस बहुत ही सुंदर पक्षी होता है। आपने ज़्यादातर सफ़ेद रंग के हंस को ही देखा होगा, लेकिन हंस सफ़ेद रंग के अलावा काले रंग का भी होता है, जो कि सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। हंस सबसे बड़े उड़ने वाले पक्षियों में से एक है। इनका वजन 15 केजी तक होता है। इनको प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है। आपने दो हंसों का जोड़ा कहते हुए किसी न किसी को जरूर सुना होगा। दरअसल यह जोड़ा अपने दूसरे जीवन साथी को
पूरी जिंदगी में कभी भी नहीं छोड़ता है। वैसे तो यह बहुत ही शांत होते हैं, लेकिन अगर इनके बच्चों को कोई नुकसान पहुंचाता है तो ये बहुत ही आक्रामक भी हो जाते हैं और इंसानों पर हमला कर देते हैं। नंबर 7 पर वाइट बंगाल टाइगर, ये सफ़ेद रंग के होते हैं। ये बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही खतरनाक होते हैं। अगर इनको हम पिंजरे में देख लें तभी अच्छा है, अगर इनको बाहर देख लिया तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। और यह है पूरी दुनिया में सिर्फ 200 ही बचे हुए हैं, यह है इंडिया में सिर्फ 12 बचे हुए हैं। इनको देखना एक बहुत ही बड़ी किस्मत की बात है, यह बहुत मुश्किल से देखने को मिलते हैं। अगर आपने कभी इनको देखा है तो आपकी किस्मत बहुत अच्छी है और यह दिखने में बहुत ही खूबसूरत होते हैं। नंबर 8 पर हमने वाइट लॉयन को रखा है। यह दुनिया का सबसे खूबसूरत जीव है और बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। यह किसी चीज में दूसरे शेरों से बिल्कुल भी कम नहीं है। यह ज्यादातर इंडिया, न्यूजीलैंड, मैक्सिको, कनाडा व फ्रांस में ही मिलते हैं जो जू में रहते हैं। यह अपने रंग की वजह से देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं, किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। 1994 के बाद कभी किसी जंगल में इनको देखा नहीं गया। इनकी प्रजाति धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। जो जू में इनकी देखभाल करते हैं, अब इनकी प्रजाति आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उन्हीं पर है। नंबर 9 पर हमने मैकोज, एक प्रकार की तोता है। मोस्ट ब्यूटीफुल इन द वर्ल्ड, मैकोज एक प्रकार का तोता है। यह बेहद ही खूबसूरत होता है। ये लेटिन अमेरिका से दूर रेन फॉरेस्ट में ही देखने को मिलेगा। अगर आप कभी वहां जाए तो देखना जरूर इसकी खूबसूरती को। यह येलो, ग्रीन, ब्लू, रेड के अलावा भी कई रंग के होते हैं। कुछ लोग इसको पालतू जानवरों की तरह भी रखते हैं। अफवाहों की माने तो यह 112 साल तक जीवित रहते हैं, लेकिन यह आमतौर पर 30 से 40 वर्ष तक ही जिंदा रहते हैं। इनकी संख्या बहुत ही कम होती जा रही है। यह ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। इनको संगीत सुनना बहुत पसंद होता है। नंबर 10 पर हमने ग्लास विंग्स बटरफ्लाई को रखा है। तितलियां तो आपने बहुत सारी देखी होंगी जो देखने में बहुत ही सुंदर लगती हैं और सबको पसंद आती हैं, लेकिन यह तितली अलग कुछ खास है। यह सेंट्रल अमेरिका व मैक्सिको में ही देखने को मिलती है। इस तितली के पंख पारदर्शी होते हैं, बस साइड के पंखों पर ब्राउन कलर का रंग होता है। यह दिखने में बहुत ही खूबसूरत होती है, ये तो सबको पता है। अगर आपको मौका मिले तो इस बहुत ही रेयर तितली को देखें जरूर, आपको इसकी खूबसूरती का पता चल जाएगा। ठीक, आपको कैसा लगा सुनकर आप कमेंट करके जरूर बताएं, और आपके कौन सा सबसे खूबसूरत पक्षी जीव जंतु लगा उसकी कमेंट अवश्य करें, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।